डॉक्टर विद अमृता। आशा करते हैं आप लोग सब घर पे हैं और सुरक्षित हैं। बनाने जा रही हूँ भरा भरा चिकन कबाब। चलिए देखते हैं ये बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। चिकन कीमा, यहाँ पर आधा किलो चिकन कीमा, 500 ग्राम चिकन कीमा है। नींबू, एक पूरा नींबू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, गरम मसाला, शाही गरम मसाला, बेसन, दो अंडा, आधा लहसुन पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, मिंट लीफ, पालक का पत्ती एक बोल। पहले मैं ये चिकन कीमा को थोड़ा ग्राइंड कर लूंगी। ये चिकन कीमा ग्राइंडर में डालकर इसमें आधा और लहसुन का पेस्ट भी मैं डाल दूंगी। जो यहाँ पर मैं दो अंडा लिया हूँ ये भी मैं इसमें डालकर ग्राइंड कर लूंगी। दोस्तों ये ग्राइंड हो चुका है, इसमें मैं अभी नींबू का जो रस है ये दे रही हूँ। मैं पूरा एक नींबू इसमें डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी मैं इसमें। ये मिक्स हो चुका है। अभी मैं ये जो धनिया पत्ती, पालक का पत्ती और मिंट लीफ, हरी मिर्च एक साथ ग्राइंड करूंगी। गरम मसाला, शाही गरम मसाला डाल दूंगी और नमक जैसे मैंने बोला था स्वाद अनुसार मैं यहाँ पर दो छोटा चम्मच नमक डालूंगी। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अभी जो ये मिंट लीफ, धनिया पत्ती और पालक का जो पेस्ट मैं बनाई हूँ ये इसमें मिक्स करते रही और हरी मिर्च का। अभी इस पे आहिस्ता आहिस्ता से बेसन
में मिक्स कर रही हूँ। मैं ये चिकन कीमा में जो मिक्सर है इसमें मैं बेसन मिक्स कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा पतला लगे ये तो थोड़ा और बेसन ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको कबाब की तरह यहाँ पर बना रही हूँ। बना के मैं 15 मिनट फ्रीजर में इसको रख दूंगी। उसके बाद इसको मैं पैन में सैलो फ्राई करूंगी। ट्वेंटी मिनट्स बाद मैं ये फ्रीजर से निकल लिया हूँ और मैं पैन में तेल गरम तेल देकर इसको सैलो फ्राई करूंगी। अभी मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ये पैन का ऊपर छोड़ रही हूँ। देखिए मैं पैन में ये कबाब को डाल दिया हूँ। अभी मैं इसको 5 to 7 मिनट ढक के रखूँगी। इसको सिम में गैस बिल्कुल सिम में रखी हूँ मैं ताकि ये पक जाए। मिनट बाद मैं इसको पलट दे रही हूँ। देखिए एकदम कबाब इसको 5 मिनट लिए ढककर रखना है। ये मैं 5 मिनट बाद फिर से ढक्कन खोल के देख रही हूँ ये पका भी नहीं, बिल्कुल पक गया है। ये दोनों तरफ से बिल्कुल देखिए बिल्कुल पक चुका है। इट्स रेडी टू बी सर्व। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।